दिवस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे देश को 200 साल तक अंग्रेजी ने शासन किया। उन्होंने कई कष्ट दिया। उन सभी कष्टों को देश की जनता ने सहे। उनके बाद हमारे देश की कई जनता नेताओं ने प्रयत्न के से 15 अगस्त सन 1947 में देश को आज़ाद हुआ। देश के आज़ादी के बाद अंग्रेजी का शासन से नाराज होकर हमारे देश की जनता के लिए नए शासन बनाया और जनता को उस कुछ कर्तव्य और अधिकारों दिया। उन कर्तव्य को 26 जनवरी सन 1950 में देश भर लागू किया। एक गणतंत्र दिवस का अर्थ है कि जनता से जनता के लिए जनता के द्वारा करने वाला शासन है। ये संविधान को सही रास्ते में ले जाना हम सबका कर्तव्य है। हमें दिए गए कर्तव्य को पालन करके देश को उन्नति के शिखर पर ले जाना हमारा कर्तव्य है। ये कहना इतना व्यक्त दिए गए आप सबको सविज्ञ धन्यवाद है। भारत माता की जय। அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம். ஜனவரி 26, 1950 நாம் ஓர் இறைமை பெற்ற ஜனநாயக குடியரசு நாடானது. எங்கள் நாட்டின் அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த நாள் இது. குடியரசு தினம் என்று ஜனவரி 26 தேர்வு பின்னால் ஒரு காரணம் இருக்கிறது. 1930 நம் நாட்டின் தேசிய தலைவர்கள் ராய் ஆற்றின் கரையில் இந்திய மூவர்ண தேசிய கொடியை ஏற்றினர். நாங்கள் 1947 சுதந்திரம் கிடைத்தபோது இந்த முக்கியமான நாள் முக்கியத்துவம் மறைந்து தொடங்கியது. எனவே எங்கள் தேசிய தலைவர்கள் 1930 என்ற பூர்ண ஸ்வராஜ் அறிவிப்பு புகழ 26 ஜனவரி தேர்வு எமது சுதந்திர போராட்டத்தை சுதந்திர போராட்ட வீரர்களும் இந்த ஆண்டு ஜனவரி 26 இந்திய 66வது குடியரசு தினம் ஆகிறது. இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்கள் கரைப்படிந்த கரங்களில் இருந்து சுதந்திரம் பெற்றபோது நமது நாட்டின் தலைவர்கள் போராடி இந்திய இறையாண்மை கொண்ட ஒரு குடியரசு நாடாக ஆனது. இது 21வது நூற்றாண்டாகும்.
நாம் நம் முன்னாள் பிரசிடென்ட் அப்துல் கலாம் பார்வையை உண்மை செய்ய வேண்டும். வறுமை, கல்வி அறிவின்மை, வேலையின்மை என்னும் வாழ்க்கையின் அடிப்படை தேவைகள் இல்லாமல் நம் வாழும் மக்களின் ஒரு பகுதியாக வேண்டும். எமது அரசாங்கம் மற்றும் ஏனைய அரசு சார்பற்ற அமைப்புகள் இந்த பிரச்சனையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். எழுத்தறிவின்மை இந்த வேலையின்மை பின்னால் முக்கிய உண்மைகளுள் ஒன்றாகும். கல்வி செழிப்பு மற்றும் சந்தோஷம் சுமூகமாக இயங்கும் அங்கு நம்முடைய ஒரு வளர்ந்த நாட்டின் பொன்மொழியாக இருக்கும். நம் நாட்டில் ஒவ்வொரு வடிவத்தில் பெரிய வேறுபாடு ஒரு சின்னமாக உள்ளது. நேரம் எதையும் விட வேகமாக இயங்கும். ஆனால் இன்னும் நம் கடந்த 65 ஆண்டுகளாக நம் இதயத்திற்கு அருகில் இந்த ஒற்றுமை நடத்த நான் ஒற்றுமையை உணர்கிறேன். ஒளிமயமான எதிர்காலம் நம் இயக்கத்தில் ஒவ்வொரு இந்திய இதயத்தில் உள்ளது என்று விரும்புகிறேன். ஜெய்ஹிந்த். पढ़ती हूँ मैं आज आपके सामने गणतंत्र दिवस के बारे में बोल सकती हूँ। आप सबको पता है कि हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्या आपको मालूम है क्यों हम मना रहे हैं? मैं अब बताऊंगी। भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 के बाद कई बार संशोधन करने के पश्चात भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया तो 3 वर्ष बाद यानी 26 नवंबर 1950 को आधिकारिक रूप में अपनाया गया। तब से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस बार हम 66वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था के कई उतार चढ़ाव देखे हैं और इस दौरान लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति असंतोष भी व्यक्त होता है। असंतोष का कारण वस्त्र शासन और प्रशासन तथा राजनीति का प्राधिकरण रहा। भारत में बहुत से ऐसे व्यक्ति और संगठन हैं जो भारतीय संविधान को प्रतिश्रद्ध नहीं रखते। गणतंत्र दिवस आजादी मिलने के पहले ही मनाया गया था। इसको पूर्ण स्वराज भी कहते हैं। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश होने के गर्व हैं। ये सिर्फ नाम मात्रा की देश है। हमारा समाज परिवर्तन हो रहा है। मीडिया जनतंत्र और रहे हैं।
जनता भी जाग रही है, युवा सोच का विकास हो रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी सबसे लोग की फर्ज बढ़ रही है। इस सब को चलते अब देश का राजनीति भी सिर्फ हो गया है। ज्यादा समय तक शासन और प्रशासन के पश्चात अपराध और अयोग्यता नहीं चल पाएगा तो हमारे भविष्य का गणतंत्र पर आधारित होगा। इसलिए कहो गणतंत्र की जय हो। धन्यवाद।